हो चुके हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी हमारे आज के इस एपिसोड में जुड़े हैं, तो पहले हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमारे अतिथि से जो भी यहां पर उनके बारे में जानना चाहते हो, उनके गीत एल्बम के बारे में, उनके परिचय के बारे में, तो जरूर उनसे जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया करें। हमारे साथ आज जुड़े हिमाचल के युवा कलाकार एक्स स्टाइलिस्ट श्री संजीव कोई। तो मिलते हैं उनके उनके साथ और चर्चा करते हैं और गीत संगीत को सुनते हैं। तो पुनः नमस्कार संजीव जी, नमस्कार आपका स्वागत है संजीव हिमाचल जी, आपका स्टेज स्वागत है हिमाचल स्टेज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इस लाइव स्ट्रीम में जोड़ने के लिए। हम आपके बहुत आभारी है जी। संजीव जी, आप कोशिश संजीव जी, आप कीजिए, कोशिश अगर तो आप कीजिए, अगर ये तो आप ये माइक्रोफोन निकाल देते माइक्रोफोन हैं, आप निकाल देते सिंपल हैं, ही आप रहेंगे तो सिंपल ही आपका रहेंगे तो आप वोकल ठीक आएगा, इसमें ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके, बिल्कुल सर। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं, कृपया हमारे आज के अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल के युवा कलाकार एक्स स्टाइलिस्ट श्री संजीव गोई, जिनका अभी लेटेस्ट ही एल्बम निकला है, हिमाचली नॉन स्टॉप सॉन्ग 2022 और वेनेगा बॉयज वॉल्यूम 2 के द्वारा। तो चलिए पुनः स्वागत करते हुए आपका स्वागत है महोदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। संजीव जी, पहले तो आप अपना परिचय बताएं, आपका परिचय, आप कहाँ से हो, संगीत में आपका आना कैसा हुआ, कितने सालों से आप संगीत में काम कर रहे हैं और किन जो आपको जो संगीत में लाने वाले ऐसे कौन से शख्स थे जिनको प्रेरणा से आप आगे आए हैं, उसके बाद हम आपसे आपके जो जो अपने गीत है उसको जरूर सुनेंगे। स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर, मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल के रामपुर बुशहर से हूँ मैं। तो जी हमारी जो फर्स्ट एल्बम आई थी तो उसका नाम था वेंगा वॉइस वॉल्यूम 2। तो मुझे इस जी पहले एल्बम में लाने वाले उन्हीं उसी एल्बम के दो और कलाकार थे जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मतलब। तो जी हाँ जी, वो हमारी पहली एल्बम थी। तो अभी लेटेस्ट ही आई है एल्बम, अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप सुन सकते हैं। हाँ जी, चलिए आपके गानों का आपके साथ साथ परिचित आपका हम गाने भी सुनेंगे। थोड़ी सी फोकस आप बनाएं, आप जैसे स्क्रीन में ठीक से जुड़े, जैसे मैं मेरा गैप आ रहा है और तसल्ली से, ताकि जी आपका पुनः स्वागत करते हुए तो हम आपसे पहली प्रस्तुति सुनेंगे और 5-10 मिनट आप अपनी प्रस्तुति रखिए, उसके बाद हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो स्वागत है जी आपका। तो सबसे पहले तो सर मैं अपने ही एक सॉन्ग, जो हमारे एल्बम में एक सॉन्ग था, बड़ा वायरल हुआ था सॉन्ग, जी तो गाया तो किसी और नहीं है, जो हमारा एक फ्रेंड है उन्होंने गाया है। तो सॉन्ग काफ़ी चला था उस एल्बम का, तो मैं जी उसी से शुरुआत करना चाहूँगा। तो सॉन्ग के कुछ लिरिक्स इस प्रकार से थे। केड़ी केड़ी बोंदे बड़े तेज तेज वेंगा बॉयज, खेड़ी खेड़ी बोंदे बड़े तेज तेज, खेड़ी खेड़ी बोंदे बड़े तेज तेज वेंगा बॉयज, खेड़ी खेड़ी बोंदे बड़े तेज तेज, फन करने का बड़ा क्रेज क्रेज वेंगा बॉयज, फन करने का बड़ा क्रेज क्रेज, खेड़ी खेड़ी बोंदे बड़े तेज तेज वेंगा बॉयज, खेड़ी खेड़ी बोंदे बड़े तेज तेज। तो एक सॉन्ग और भी था सर उसमें, जिसको मैंने गाया था, लिरिक्स किसी और के थे, एक्चुअल में ट्रेडिशनल सॉन्ग है, पुराना गाना था, तो उसको गाना चाहूंगा। बोलो बे तेरे संग मेरे दिल डुलाना तू हाँ कर या ना, तेरे संग मेरे दिल डुलाना तू हाँ कर या ना, तेरे संग मेरे दिल डुलाना तू हाँ कर या ना, तेरे संग मेरे दिल डुलाना तू हाँ कर या ना, तेरी प्यारी सुरता बटने बसी मेरे दिला, तेरी प्यारी सुरता बटने बसी मेरे दिला, रोज राती मिले सुपने बटने उपने कोवे मिला, रोज राती मिले सुपने बटने उपने कोवे मिला। और बहुत खूब। सर और भी है बहुत से सॉन्ग एल्बम में, तो गा नहीं पाऊंगा, तो कोई और सॉन्ग गाने की ट्राई करूंगा मैं।
याद नहीं आपके है। एल्बम में मस्त जवानी सुपर हिट रही है जो अभी नॉन स्टॉप 22 का हो, थोड़ा सा आप रखेंगे उस एल्बम के नॉन स्टॉप कितने गाने हैं? आप थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा जो है आप जरूर मनोरंजन करवाएं। जो उसका पहला सॉन्ग था मस्त जवानी, अच्छा सॉन्ग है, पर उसको तो मैं उसको गाना चाहूंगा थोड़ा सा। मस्त जी जवानी तेरी, मस्त जवानी, मस्त जवानी तेरी, मस्त जवानी, कुड़ी तू 16 साल री पटाखा, ए गे मस्त जवानी, कुड़ी तू 16 साल री पटाखा, ए गे मस्त जवानी। ओ क्रीम लाओ ले गोरी, क्रीम लाओ ले, ओ क्रीम लाओ ले गोरी, क्रीम लाओ ले, घूमे गुजर रामपुरे जोबे बटने, क्रीम लाओ ले। मस्त जवानी तेरी, मस्त जवानी, मस्त जवानी तेरी, मस्त जवानी, कुड़ी तो 16 साल री पटाखा, ए गे मस्त जवानी, कुड़ी तो 16 साल री पटाखा, ए गे मस्त जवानी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। एक और सॉन्ग था सर, तो मैं उसको गाना चाहूंगा थोड़ा सा। मस्त जी वेट सर। ओ हसियो करे ना गोरी, हसियो करे ना, হাসিও করে না গরি, হাসিও করে না, সিটে তিরে বলো দাঁড়িডু গরি, হাসিও করে না, সিটে তিরে বলো দাঁড়িডু গরি, হাসিও করে না। মস্ত জওয়ানি তেরি, মস্ত জওয়ানি, মস্ত জওয়ানি তেরি, মস্ত জওয়ানি, কুড়ি তো 16 সালারি পটাখা, এগে মস্ত জওয়ানি, কুড়ি তো 16 সালারি পটাখা, এগে মস্ত জওয়ানি। बहुत खूब संजीव जी, आपका मधुर आवाज और आपके गाने के अंदाज बहुत बेहतरीन, और युवा कलाकारों को शायद अच्छा भी लग रहा होगा। हमारे साथ जुड़े हमारे आज के एक्स स्टाइलिस्ट जो है हमारे साथ संजीव गोई जी रामपुर से, और उनके गानों को सुन रहे, उनसे परिचित करा रहे। संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में हम उन बाल कलाकारों को, युवा कलाकारों को, वरिष्ठ कलाकारों को लेकर आते, ताकि हमारा जो है हमारा गीत संगीत जो है निरंतर जो है अग्रसर रहे, हमारी धरोहर जो संस्कृति बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य रहता है इस परिचय के द्वारा। तो चलिए, महत्वपूर्ण हमारा जो इसमें जो संगीत संध्या में हम पारंपरिक चीजों पर भी ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि बगैर पारंपरिक के एक हम जो है इस संध्या को अधूरा मानते। तो आपके पास अगर पारंपरिक गीत अपने गाँव के, अपने एरिया के, तो जरूर यहाँ पर रखें। बिल्कुल सर, तो मैं एक सॉन्ग गाना चाहूंगा, बहुत ही ट्रेडिशनल सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग। जी शीलू है लाभोगे नाटी राज लारा, चूटो मुये हेरे कोमरो, शीलू है शीलू है लंबोगे नाटी राज लारा, चूटो मुये हेरे कोमरो। एक और है सर, मुझे पूरा पूरा तो नहीं याद आ रहा, थोड़ा 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 सा जी 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 जरूर जरूर भी ट्राई कर दूंगा, कोई कोई पारंपरिक गाने तो। जी গরু বিতা চারে বোলা গে ডুগিড়ে, নাড়ো দি ভিড়ে চারে হু বাড়ি লো ধারে, হু বাড়ি ধারে বোলা গে ইন্দিরার গাড়িয়ে, ভিড়ে চারে হু বাড়ি লো ধারে। ও হা মে তা তোমে নি গে বিচারে, ইন্দিরা কোরমা বিছড়ে গে মারে, এ কোরমা মারে বোদা গে ইন্দিরা লাড়িয়ে, কোরমা বিছড়ে গে মারে। কুলবি बहुत সং খুব। यहाँ কি पर
हरदेव नेगी कह रहे हैं कि कुलवी के कोई गाने सुनना है, तो हरदेव नेगी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे मंच से सॉन्ग जुड़े। कौन सा गाने आप ही बता दो, कौन सा गाने कुलवी सॉन्ग? कोई भी आप अपने पसंद का है। यहाँ पर रविंद्र सिंह जी जो बहुत बेहतरीन जो है म्यूजिक हमारे गीतकार है, और उनका आभार बिल्कुल प्रकट करता हूँ कि वो कई कलाकारों का स्टेज में परिचित करवाते हैं, तो 12 बीस का भी कोई सर, फोक सॉन्ग हो। जी उसका मैं करता हूँ सर 12-20 का। पहले तो एक कुलवी सॉन्ग गा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जी दोनों में ढाली ना लौटी दाई है, मिटी तिलुरा चूल्हा है, जाले ना लौटी दाई है, मिटी तिलुरा चूल्हा, जाले ना लौटी दाई है, मिटी तिलुरा चूल्हा है, जाले ना लौटी दाई है, मिटी तिलुरा। बापू का ता तो तकड़ी उनारे आमा गाडेडू चूल्हा, छुला छुला छोली दाई है आमा गाडेडू चूल्हा। बहुत और खूब। सॉन्ग सर कोई फरमाइश हो तो बता दीजिए। यहाँ पर रविंद्र नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अब वो हमारे को इस आयोजन के लिए, किन्नौरी संध्या के लिए, और हमारा जो आज का जो संगीत पर चर्चा के लिए संगीत प्रेमियों को जोड़ते रहते हैं, वो कलाकारों को जो लाने में उनका भी हाथ रहता है, तो उनको इस पेज के द्वारा हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। तो महोदय जी, जैसे कि रामपुर में और किन्नौर में दोनों टच है, और जब तक आपको पता है कि किन्नौर और रामपुर का मिलन ना हो, तो गाना जो है हमारा जो मंच अधूरा रहता है, तो किन्नौरी गाना अगर आपको कोई आता है तो जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल, किन्नौरी गाना बिल्कुल सुनाएंगे जी। किन्नौरी में जो मुझे आज की डेट में सबसे अच्छा सॉन्ग जो लगता है, एक अभी हाल ही में एक एल्बम आई थी, तो उसमें एक सॉन्ग था, मुझे थोड़ा सा लिरिक्स फर्स्ट के शुरू नहीं आ रहे, शुरू कहाँ से करें, तो मैं वहाँ दे कोई भी सुनाए, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि संजीव गोई जी। तो चलिए, तकनीकी दिक्कत हो गई, थोड़ा लेफ्ट हो गए हैं, तो जैसे ही आते हैं तो हम उनके जो आपके समक्ष रखते हैं। तो मैं उन व्हाट्सएप ग्रुप के पटल में जितने भी हमारे किन्नौर के जो पटल चले हैं, उनको उनसे आग्रह करता हूँ, कृपया जो है हमारे किन्नौरी जो हमारा जो संध्या है, और हम जो जो संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में आप लोग जो है जुड़ने की प्रयास करें। हमारा मकसद है आप और मिलकर हम बेहतर जो है संगीत को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप पटल जो किन्नौर के जो म्यूजिकल जो बहुत बेहतरीन पटल है, जो व्हाट्सएप में ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, उनके उनके जो है आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोग अपने ग्रुप से जोड़ा है। तो किन्नौर दिल से आपको भी आभार प्रकट करता हूँ, जूम किन्नौर आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, मोहित क्रिएटेशन क्रिएशन आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, और किन्नौरी किन्नौर फोक नोट आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, ML मेलोडीज आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, वॉइस ऑफ किन्नौर आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, और लोक सांस्कृतिक धरोहर मंच आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, लवली फ्रेंडशिप ग्रुप आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, और के म्यूजिक रिकॉर्डर्स आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, और माउंटेन ट्यूब सिनेप्लेक्स आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, हंगरंग म्यूजिक लवर्स आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, और नेगी ग्रुप्स आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। इतने सारे ग्रुपों ने मुझे जो है अपने पटल से जोड़ा है, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं आप सभी ग्रुप के जितने भी जो संगीत प्रेमी हैं जुड़े हैं इन ग्रुपों से, उनसे निवेदन करता हूँ, आप या लिखते हो, या फिर आप म्यूजिक म्यूजिक देते हो, या फिर आप गायक हो गीतकार हो, तो हमारे संगीत संध्या में जरूर जुड़े, और यहाँ पर उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उनके लिए सुझाव और मार्गदर्शन दीजिए। हमारा मकसद है आपके गीत संगीतों के द्वारा एक मैसेज भी लोगों तक पहुंचाना, एक संदेश भी आप तक जो है